ये मैंने बनाया है पेपर फैन, और इससे डेकोरेशन मैं करने वाली हूँ आज बेबी के रूम में। और ये वाली जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि गिफ्ट रैपिंग करने वाला पेपर है, ये वाला कुछ ऐसे है, और मैं इस टाइप से बनाई हूँ जो आपको मार्केट में मिलते हैं। और पेपर फैन छोटे छोटे बच्चों के लिए बर्थडे डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छा आइटम है ये, तो ये आप घर पे भी बना सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ ये घर पे भी आप बना सकते हैं। तो सेम जैसे हम लोग स्कूल टाइम में करते थे ना, पेपर का जो फैन बनाते थे ऐसे स्कूल में कोचिंग में, सेम चीज़ें करनी है। उसमें दो पार्ट है, हाँ बेटा, तो दो पार्ट लेकर और उसको बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सही, हाय सेल्वी, हाय करो, हाय करो। आज मेरी बेबी भी बहुत खुश है कि उसकी छोटी बहन आ जाएगी, अब वो दीदी बन गई है। चलो ये लो। इस तरीके से मैंने पेपर लिया है और इसे मैं सिंगल स्ट्रैंड फोल्ड करूँगी, सिर्फ सिंगल फोल्ड करना है। और कुछ इस टाइप से मेजरमेंट आपको रखनी है, आप अगर आपकी मेजरमेंट इसकी अच्छी है तो आप मेज़र भी कर सकते हैं, मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ आइडियाज़ के लिए। तो मैं यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, देन इसे मैं ये वाली चीज़ें हैं ना, इसे इग्नोर करिएगा क्योंकि आप लोगों में से मुझे पता है कि बहुत लोग नहीं पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दांत का हेल्प लिया है, अपने दांतों के हेल्प से इसे दबा रही हूँ अच्छे से फोल्ड करने के लिए, तो इस पर एक अच्छे से लाइन बन जाए, ड्रॉ हो जाए, तो उसके हेल्प से मुझे इजी हो जाएगा कट करने के लिए। सीजर लेके आप इसको कट भी कर सकते हैं। पेपर थोड़ा ये प्लास्टिक जो है थोड़ा हार्ड है, तो आप अपने फिंगर से नहीं फाड़ सकते इसको, हाथ से नहीं फाड़ सकते। तो अभी फैन चल रहा है तो काफ़ी परेशानी हो रही है। जो पेपर फैन आइटम है वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है इन दिनों, बच्चों के बर्थडे पार्टी में वो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। और वो जो आइटम है ना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। अगर आपको क्रिएटिविटी आती है, आपके पास आइडियाज है, तो आप वैसे बना भी सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ, बहुत ईजी बना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पेपर को कट कर चुकी हूँ और अब मैं करने वाली हूँ इससे जिगजैग फोल्ड। जैसे कि आप बचपन में बनाए होंगे फैन तो आपको याद होगा, या फिर साड़ी की पल्लू वगैरह बांधते हैं वैसे बन सकता है, तो बहुत इजी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि सिर्फ सेमी फ़ैन बनना है, तो मैं दो पार्ट लेके, मतलब दो कटिंग लेकर उसे एक बड़ा सा साइज़ दूँगी। तो कुछ इस टाइप से है, अच्छा लग। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ आज पूरा दिन का, क्योंकि आज मेरे घर आने वाली है मेरी छोटी सी भतीजी, मेरे घर की लक्ष्मी, और उसे आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा है। पूरे सेवन डेज के बाद वो हमारे घर में आ रही है, तो बहुत सारी प्रिपरेशन कर रही है, दिल से कर रही हूँ, तो आप लोग तो चलिए सबसे पहले हम उसके रूम में डेकोरेशन वगैरह कर दें। और आज सबसे पहले मैं बता दूं कि सुबह के 11 बज चुके हैं और आज डेट है 13 अगस्त है, यानी 13 अगस्त है, और 7 दिन पहले 6 तारीख को मेरी भतीजी हुई थी। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि भैया जा चुका है उस बाबू लोग को लाने, बाबू और भाभी सबको, मम्मी को। तो सबसे पहले हम उसके रूम में डेकोरेट करते हैं। और ये वाली पेंटिंग मैं बता दूँ, ये वाली पेंटिंग मैंने बनाई है, ये कोई स्टिकर नहीं है। तो यहाँ स्टेयर के पास मैं बैठ कर वीडियो बना रही थी, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये वाले पूरा डेकोरेशन आइटम लिया है मैंने, बैलून वगैरह, और ये जो पेपर फैन मैंने बनाया है डेकोरेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम आज की तैयारी कैसे करने वाले हैं, और सारी चीज़ें पहले यहाँ से ले लेती हूँ। और ये मेरा ट्राइपॉड वगैरह, तो ये रूम है मेरी बेबी का, छोटी सी नन्ही मेहमान का, और इसे हम लोगों को डेकोरेट करना है कुछ इस टाइप से है। तो वो तो बेड पे ही रहेगी, तो बेड को ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना है बच्चे के लिए, और बाकी रूम में भी थोड़े बहुत बैलून वगैरह लगा देंगे। तो सबसे पहले ये सारे सामान को हम लोग एक जगह सेटल करते हैं, इसमें से निकालो वो बैलून पम्प,
इसमें पंप है। तो आज मैं कैसे डेकोरेट करने वाली हूँ फूल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको आइडियाज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और यहाँ मैंने सोचा था कि इस बेड को अच्छे से डेकोरेट करेंगे सारे पेपर फैन बैलून और रिबन के हेल्प से। तो अभी क्या बताऊँ, सबसे पहले आप देख लीजिए मैं क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ। तो ये वाला फ़र्स्ट फ़ैन लेके मैंने वहाँ पे स्टिक कर दिया है, सेकेंड यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ। मुझे लगा कि कैमरे में अच्छा नहीं आएंगे तो मैंने क्या किया कि उसे थोड़े से पास पास में स्टिक कर रही हूँ। जैसे आप पहले भी कहीं देखे होंगे यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह पे, तो कुछ इस टाइप से वो डेकोरेशन में दिखाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि इस टाइप से अच्छा लगेगा तो मैंने भी चिपकाया था। और ये बैलून्स के कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मैं क्या करूं, अदरवाइज़ मैं इन्हें पिलर बना देती हूं। तो देखिए लास्ट तक मैंने इसे कैसे क्या चीज़ें की हैं। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर मेरी हेल्प कर रही है और मेरी बड़ी बहन है ये, तो दीदी तो अच्छे से मतलब पंप हम लोगों ने ले लिया था, ऑनलाइन परचेज किया था, तो उसी पंप के हेल्प से आसान हो जाता है डेकोरेशन वगैरह करना। तो यहाँ पे इतने सारे बैलून हो गए थे। और सबसे बुरी बात ये है कि मेरे जो बैलून्स थे वो जल्दी जल्दी फूट रहे थे और मुझे दुकान वाले पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मतलब कैसे दिए हैं, बहुत जल्दी फूट जा रहे हैं। तो ये वाला जो आप डोर देख रहे हैं रूम के, तो इसके ऊपर मैंने सोचा था कि ये पेपर फैन को स्टिक करूँगी और इतने लो क्वालिटी का वो डबल साइड टेप था, वो चिपकता ही नहीं था। पता नहीं क्यों इसकी जो पेपर की वेट की वजह से नहीं होता है कि क्या, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो मैं एक फ़ैन के ऊपर सेकेंड वाले छोटे से पिंक कलर की जो है उसे स्टिक कर देती है स्टेपलर कैप से उसे। और यहाँ पे मैंने साड़ी के जो बॉक्सेस होते हैं गोल्डन सिल्वर कलर के आते हैं ना, उसके हेल्प से मैंने ये उसके छोटी वाली बेबी का नेम को कट किया था। तो यहाँ पे उसका नेम क्या बन रहा है आप पढ़ लीजिएगा, मैं अभी क्या बताऊँ आपको। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी और वो टेप भी बहुत चीप था, बहुत ही ज़्यादा वो स्टिक हो नहीं रहा था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि टाइम भी कम है और मैं बहुत लेट हो गई थी और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, नहाई भी नहीं थी, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये नाम होता है कंप्लीट, तो आप पढ़ के बताइएगा कि मैंने क्या लिखा है। तो ये छोटा सा डेकोरेशन मेरे डोर के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर मेरे पास बुके वगैरह होता और ओरिजिनल फ्लावर्स होते तो और भी अच्छे होते, लेकिन मैंने इतने कम चीज़ें मेक कर लिया है तो मुझे तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो इस बैलून को 3-3 करके, मतलब जैसे तीन बैलून को साथ में लेते वैसे चिपकाएंगे। तो अगर वो टेप अच्छी होती तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया होता और पलंग को मतलब बेड को जो है बहुत ही अच्छा देखने से लगता, बट ऐसा हो नहीं रहा था और बलून सारे फूट भी रहे थे मेरे। रूम का डेकोरेशन करने के बाद मैं भूल गई थी कि उसको रिकॉर्ड भी करना है, वैसे भी रिकॉर्ड करने के लायक कुछ था नहीं क्योंकि मटेरियल बहुत कम पड़े थे। और यहाँ पे मंकी आ जाते हैं कि रूम के बाहर, बहुत ही ज़्यादा डर लगा रहता है इन लोगों से। और कुछ इस तरीके से गेट वगैरह सजाया था जो मैंने पहले ही आपको दिखाया है। और ये वाली जो रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ वो शाम में मैंने किया था जब बेबी घर में इंटर हो चुकी थी, आ चुकी थी, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई इस रूम के लिए क्योंकि बैलून्स भी बहुत कम बचे थे और साइड वाले वॉल पे मैंने कुछ ऐसे किया था और बलून और टेप बहुत धोखा दिया। रूम डेकोरेट करने के बाद मैं नीचे जा चुकी थी ताकि मैं भाभी और बाबू का वेलकम कर सकूं। तो सारे काम हो चुके थे और वो जो पहली वाली स्लिप थी वो शाम की थी 6-7 बजे की, क्योंकि मैं रूम डेकोरेट करने के बाद नहीं दिखा पाई। वैसे दिखाने वाला कुछ था नहीं क्योंकि जो सोचा था हुआ नहीं था। और यहाँ पे मेरा सब लोग फैमिली आ चुकी थी और भैया नहीं आए थे, मेरे भाई नहीं आए थे, तो क्या हुआ कि उसके बाद मतलब किसी और को बोला गया लाने के लिए। तो यहाँ पे आ चुके थे और मैं सबको बाहर
ले रही थी और जो भी सामान है वो सारे लेकर वहाँ घर के पास रख रही थी। तो अभी यहाँ पे हम लोग कार पार्क नहीं कर सकते क्योंकि जो आप पहले वाले वीडियोस में देखे होंगे यहाँ पे कार पार्क नहीं होता है अब, क्योंकि अभी थोड़ा दिन बाद बड़े पापा का काम है। और यहाँ पे वेलकम के लिए मेरी सिस्टर आ चुकी थी और भाभी की अच्छी सी वेलकम हुई, अच्छे से बच्चे को नज़र वज़र उतारा गया और आरती वारती उतारे हम लोग। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और घर में छोटी सी और जान आ चुकी है और रौनक सी है घर में। बेबी के बेड पे साल्वी सो चुकी थी क्योंकि बहुत कितनी अच्छी दीदी है। तो अभी तो ही निकमा को देखना मिला तो रखती और वो आगे लेकर अच्छा नहीं लग रहा है।
और देवी दोनों का केक कटिंग हुआ और केक कटिंग के बाद मैं यहाँ मम्मी के लिए गर्म पानी कर रही हूँ ताकि उन्हें दवा वगैरह दे सकूँ। और हम मुझे तो बहुत अच्छा लगा, किसी को स्पेशल फील कराना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। भाभी के लिए भी सबसे पहला बच्चा और बहुत अच्छी फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है पहली बार माँ बनना, बहुत खुशी मिली। नहीं आओगी? नहीं आना है? यहाँ सालवी नई बाबू के साथ सोने का मन बनाई हुई है और कोई इसे सोने नहीं देगा। सो बाय। खुद से लोरी भी लगा ली है ना सालवी? हाँ। आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज देने वाली है मेरी मम्मी। बोलिए मम्मी। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और ये मम्मी ने रटने में 2 सेकंड में नहीं लिया है, थोड़ा प्यार के साथ फीलिंग के साथ बोलिए। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये तो मम्मी की बात जरूर मानिएगा। तो गाइस रात के 10 बजने वाले हैं और मैं बहुत थक चुकी हूँ, लिटरली आज बहुत ज्यादा काम हो गया है और नन्ही मेहमान आने के बाद घर में काम थोड़ा बढ़ ही जाता है और अच्छा लग रहा है घर में थोड़ी सी और रौनक आ गई है। सब लोग आ गए, मम्मी भाभी सब लोग आ गए हैं, तो सब लोग अच्छे हैं, सब लोग ठीक है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी दूसरे वीडियो में। सो टिल देन बाय।